दोस्तों आखिरी लीग मुकाबले पर लगातार बारिश के गहरे बादलों का साया है। गुजरात और कोलकाता का मुकाबला पहले ही रद्द हो चुका था, अब हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मुकाबला भी रद्द हो चुका है। आरसीबी और सीएसके के महामुकाबले पर भी खतरा मंडरा रहा है। बारिश की वजह से प्लेऑफ की रेस पर असर पड़ रहा है और पॉइंट टेबल में भी भारी उठापटक देखने को मिलती है। खैर, इस मुकाबले के रद्द होते ही हैदराबाद को एक पॉइंट मिला और वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। गुजरात पहले ही बाहर हो चुकी थी, लखनऊ और दिल्ली भी अब ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। हैदराबाद और गुजरात का मैच धुलने से आरसीबी चेन्नई के मैच पर भी असर देखने को मिलेगा। अभी सीएसके 13 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पर है, जबकि आरसीबी 12 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद है। अब ये मैच रद्द होने के बाद चेन्नई के पास आरसीबी को हराकर तीसरे नंबर पर जाने का मौका होगा, लेकिन तीसरे नंबर पर रहने के लिए चेन्नई वालों को ये उम्मीद करनी होगी कि हैदराबाद अपना आखिरी मुकाबला हार जाए। वैसे अगर आरसीबी वालों की बात करें तो उन्हें इस मुकाबले के रद्द होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपने आखिरी मुकाबले में हर हाल में चेन्नई को हराना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बारिश विलन बनती है तो फिर सीएसके क्वालिफाई कर जाएगी और आरसीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। वैसे आप सीएसके एंड आरसीबी में से किसे प्लेऑफ में देखना पसंद करोगे, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।